Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your mains a day mad series, right? जिसके अंदर हम रोज़ एक UPSC का mains का question उठाते हैं and उसको हम discuss करते हैं, right? बहुत ज़रूरी है continuously answer writing practice करते रहना and अगर आपने UPSC mains आपके जो 2019 चल रहे हैं उसके GS के paper देखे होंगे तो you'll realize how important it is to continuously keep practicing answers and answer writing. ठीक है, GS2 का particularly अगर आपने paper देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो questions हैं काफ़ी conceptual हैं, चाहे वो polity से हो, चाहे वो governance से हो, बहुत सारे बाकी भी papers हैं जैसे GS1 या GS3 जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि क्या ये questions किसी और के भी हो सकते थे, right? कि GS1 में ऐसे questions हैं जो you would supposedly associate with economy, या फिर GS3 में कुछ ऐसे components that you would probably associate more with geography, राइट, या फिर आपके GS4 में भी बात की जाए जहां पे RTI, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इन सब की बात की गई थी जो आप गवर्नेंस में पढ़ते आ रहे हैं, राइट. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है दैट यू रियलाइज कि बहुत ही इंटरमिंगलिंग हुई है वेरियस सब्जेक्ट्स की. सो जरूरी है दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने जो सिलेबस है होलिस्टिकली करना है, स्पेशली एज फार एज मेन्स इज कंसर्न. टू नो मोर अबाउट द पेपर्स यू कैन एक्चुअली लुक एट आर एनालिसिस ऑफ पेपर्स दैट वी हैव बीन डूइंग. ठीक है, अगर आपने GS2 का एनालिसिस देखना है तो हमारे चैनल पे जो है ये अवेलेबल है विद द आंसर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आंसर्स. ठीक है, तो हर क्वेश्चन जो पॉलिटी के आपके GS2 के मेन्स में जो आया है, ठीक है, और किस तरह से उसके स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे, राइट, उस सब के ऊपर बातचीत की गई है. GS1 है, GS3 है, सो यू कैन एक्चुअली गो हैड एंड लुक एट दोज डिस्कशंस ऑल्सो, दे विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. साथ ही में हमारा एक मेन्स का आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है हम शुरू कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू राइट आंसर्स, ताकि जब भी वो मेन्स के लिए जाएं उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस हो दैट दे कैन टैकल एनी क्वेश्चन विच इज थ्रोन देयर वे. अब आज जो है हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर जो मेन्स का क्वेश्चन देख रहे हैं अंडर आर मैथ सीरीज, दैट इज कंसर्निंग द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, टेक्निकली ऐसा क्वेश्चन जो है अभी ऐसा क्वेश्चन है जो GS 1, 2 या 3 कहीं पे भी पूछा जा सकता है. ठीक है, कैसे कि देखिए, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर का है, एक हिस्सा है, आप ह्यूमन ज्योग्राफी में भी करते हैं, साथ ही में क्योंकि ये एक स्कीम है, ठीक है, तो ये आपके गवर्नेंस के अंदर भी आ सकती है एंड ऑब्वियसली ये आपकी इको में, इंडियन इकोनॉमी में, आपकी जो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक्सेट्रा से भी रिलेटेड है. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन कम एनीवेयर, राइट. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द स्कीम एंड हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन है जो आपने टैकल करना है. क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया. सेकंड इसका जो क्वेश्चन है वो कहता है इसके एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशंस डिस्कस कीजिए. ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है. स्ट्रक्चरली ऑब्वियसली बहुत ही अपेरेंट होना चाहिए दैट यू विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती क्या है. ठीक है, व्हाट इज इट दैट द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम डज फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट यू मूव ऑन टू डिस्कसिंग कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं एंड क्या इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं. अब पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सर्टिफाई करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक है, जो इंश्योर करता है कि इनकी प्रोडक्शन जो है इट हैज़ टेकन प्लेस इन अकॉर्डेंस विद जो लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, टू इंश्योर कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है, कि आपने कुछ प्रोसेस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए हैं जिसके थ्रू उनकी क्वालिटी, जिनके थ्रू उनकी जो एक प्योरिटी है वो अश्योर की जा सके. ये सर्टिफिकेशन जो है एक डॉक्यूमेंटेड लोगो या स्टेटमेंट के थ्रू जो है आती है. सो एक प्रूफ है ऑफ देम बीइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया. ठीक है, एक ऑपरेशनल मैनुअल तैयार की गई थी 2015 में जो कि इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में बात करती है, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर आता है उसमें मौजूद है. और ये कहती है कि ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ये एक क्वालिटी अश्योरेंस सर्टिफिकेट है कि जो क्वालिटी है इन प्रोडक्ट्स की वो अश्योर करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये
ऑर्गेनिक है, साथ ही में एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि लोकली रेलेवेंट है, क्योंकि सर्टन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड लोकली इन अ सर्टन रीजन. ऑब्वियसली जहाँ पे वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनाने की वो रिक्विजिट इन्वायरमेंट होगा, वहीं पे वो प्रोड्यूस जो है पैदा किया जाएगा. क्योंकि एम्फसाइज करती है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, जो फार्मर्स हो गए, एनजीओज हो गए, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स जो कि आउटसाइड करते हैं एंड हुएवर जो ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, तो इन सब को ये एक अशोर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो देती है. अब जो गवर्नमेंट है, जो इसकी ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम थी, इसको वो चार मेन पिलर्स पे बेस करती है. पहला पिलर है ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कि बात करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सच एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूस को, कंज्यूमर जिन्होंने ऑब्वियसली खरीदना है, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, एनजीओज, ग्राम पंचायत एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाकी एजेंसीज जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं डिजाइनिंग, ऑपरेट करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम जो है इमर्ज कर पाए, जहाँ पे यू नो दैट द प्रोड्यूस जो है वो ढंग से प्रोड्यूस किया जा रहा है यूजिंग प्रॉपर क्वालिटी अश्योर्ड स्टैंडर्ड्स, एंड जो ये कंज्यूमर्स तक पहुँचाया जा रहा है वो असल में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है. शेयर्ड विजन इज द नेक्स्ट पिलर, जो कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है फॉर बोथ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज डिसीजन मेकिंग. तो एक ये जो शेयर्ड विजन जो इस PGS के बारे में मैनुअल में शेयर की गई है, राइट, वेर इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स नीड टू बी डिलीवर्ड, सो एवरी ग्रुप, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर लोकल रिक्वायरमेंट्स प्रोसेसेस को, जो अपनी विजन है, स्टैंडर्ड्स है, उनको जो है उन्होंने इस तरह से अडेप्ट करना है, ठीक है, कि जो लार्जर एक विजन है ऑफ द प्रोग्राम ऑफ हैविंग क्वालिटी अश्योर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो डिलीवर की जा सके. नेक्स्ट अप इज द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे ट्रांसपेरेंसी कैसे अश्योर की जा रही है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स के थ्रू इस ऑर्गेनिक गारंटी प्रोसेस में, जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीटिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, पीयर रिव्यूज होते हैं, एज वेल एज उनकी इन्वॉल्वमेंट भी कराई जाती है इन द डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट अप, ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, और जो इसके मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस है, दैट हाउ डू यू नो दैट यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट और आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, इज थ्रू अ डिक्लेरेशन, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है जिसपे डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट, रिटन कलेक्टिव अंडरटेकिंग्स जो है एक ग्रुप द्वारा ली जाती है कि जी हाँ, जो ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंडर लेड डाउन प्रोसेसेस हैं वो हमने फॉलो की हैं टू गिव यू अ रियली गुड प्रोडक्ट. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की अगर बात की जाए, तो अमंग द एडवांटेजेस जो है ऑफ PGS, ठीक है, कि खुद की पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम रादर देन गेटिंग अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, कि कोई और थर्ड पार्टी जो है आपको सर्टिफाई कर रही है एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा, वो ये है कि पहली चीज़ तो जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बेसिक है, और जो प्रोड्यूसर्स है, जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल में इसमें इंगेज्ड है, वो इनको समझ सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में ही ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो वो इनको समझ के इनको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको जो है लागू कर सकते हैं. साथ ही में बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स होते हैं, जो ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगा रहे होते हैं, दे ऑलमोस्ट एंड अप लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, बिकॉज ये जो मोस्टली जो ये रूरल एरियाज में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रही है, राइट, दीज आर फार्मर्स हु हैव बीन लिविंग विद ईच अदर, ठीक है, हु अंडरस्टैंड कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है, क्या दूसरा इंसान भी कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस क्लोज निट एक जो उनका बॉन्ड होता है, उसके कारण जो पीयर रिव्यूज है, एक ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो ज्यादा होती है. साथ ही में क्योंकि ये जो पीयर अप्रेजर्स है, दे लिव इन द सेम विलेज, ठीक है, तो क्या होता है दैट Someone who is coming from the city, उसको फूल करना is probably easier. A third party certifier जो आ रहा है उसको फूल करना is easier rather than someone who's been living in my own village. So they know कि अगर मैंने कोई जो process है उसको flout किया है, या मैंने कोई ऐसी चीज़ डाली है that shouldn't be put in organic products, right? कोई ऐसा बहुत strong fertilizer या insecticide. So they will know it rather than someone who's coming from the outside. साथ ही में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट जो होता है रीजनल PGS में, उसके थ्रू नेटवर्क्स बन सकते हैं दैट कैन हेल्प दीज लोकल प्रोड्यूसर्स एक्चुअली रीच अदर
circles as well. साथ ही में अनलाइक ग्रोअर ग्रुप सर्टिफिकेशन स्कीम जो ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ये ऑफर करती है हर फार्मर इंडिविजुअल को सर्टिफिकेट्स एंड फार्मर जो है फ्री है टू मार्केट इज ओन प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप. तो जरूरी नहीं है मैंने ग्रुप के साथ ही मार्केट करना है, जो मैं खुद भी उगा रहा हूँ वो मैं इंडिपेंडेंटली भी मार्केट कर सकता हूँ जहाँ पे अगर मुझे लगता है कि वहाँ पे बिक्री ज़्यादा होगी. अब लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो कुछ लिमिटेशंस भी आइडेंटिफाई की गई हैं. ये जो सर्टिफिकेशन है सिर्फ फार्मर्स के लिए या कम्युनिटीज के लिए है जो कि ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म कर सकते हैं एज अ ग्रुप, राइट, इकट्ठे मिलके जो है ये ग्रुप बेसिस पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं अपने आप को विद इन अ विलेज और अ क्लस्टर ऑफ कॉन्टिजुअस विलेजेस, ठीक है, तो जो विलेजेस साइड बाय साइड है एंड एप्लीकेबल है सिर्फ उन फार्म एक्टिविटीज को सच एज क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइफ स्टॉक रेयरिंग या फिर ऑफ फार्म प्रोसेसिंग बाय PGS फार्मर्स ऑफ देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स. तो उन्होंने खुद जो है उगाए होने चाहिए. साथ ही में जो इंडिविजुअल फार्मर्स या ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जो कि 5 मेंबर्स से ज़्यादा कम है इनको कवर नहीं करती है ये स्कीम. सो इफ देयर आर फार्मर्स, इंडिविजुअल फार्मर्स या फिर स्मॉलर देन ग्रुप्स ऑफ 5, दे विल हैव टू गो फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. उनके पास कोई और चारा नहीं है, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई बड़ा ग्रुप या कम्युनिटी एग्जिस्ट करता है किसी PGS लोकल ग्रुप में आसपास, या तो वो उसको जाके ज्वाइन करें. जो PGS है ये इंश्योर करता है ट्रेसेबिलिटी अंटिल द प्रोडक्ट इज इन द कस्टडी ऑफ द PGS ग्रुप. तो क्या हो गया, अब एक ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 लोगों का एक गांव का ग्रुप था जो ये प्रोड्यूस कर रहा था, पैदा कर रहा था, ये प्रोड्यूस बना रहा था और इनको सर्टिफिकेशन मिली और ये इसको बेच रहा है. सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, किसी चीज के अंदर उनको प्रॉब्लम दिखी तो वो ग्रुप तक तो ट्रेस कर लेंगे, बट किस मेंबर ने उधर पर्टिकुलर ग्रुप झोल की वो नहीं पता लग सकता, ठीक है, जिसके कारण जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. हाउएवर PGS जो है दैट मींस डायरेक्ट सेल्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे प्रोड्यूसर्स खुद जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स पे, जहां पे पीछे मिडलमैन आ गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. हाउएवर PGS जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इंकरेज की जा सकती है, उसकी जो सर्टिफिकेशन है ईजियर बनाई जा सकती है एंड प्रोड्यूसर्स को एक एडवांटेज दिया जा सकता है ऑफ बीइंग एबल टू सेल देयर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जिनकी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है. सो किस तरह से इन लिमिटेशंस को कर्ब किया जाए, देयर इज नीड टू लुक एट दैट एज वेल सो दैट दिस स्कीम कैन बी प्रमोटेड इवन नो, ठीक है. जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है इट इज सच अ स्कीम जो कि जो बॉर्न एक इंटरनेशनल एक कवेनेंट इस पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज ऑल्सो अंडरलाइन कि कितनी इंपॉर्टेंट ये हो सकती हैं. सो कीपिंग द सेम इन माइंड वी नीड टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन दिस एंड इनकरेज फार्मर्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम, राइट. सो दिस वॉज योर मैड फॉर टुडे. यू कैन लुक अप मोर ऑन दिस स्कीम एंड रीड मोर अबाउट इट ताकि जिस भी पेपर में आपका ये क्वेश्चन आए यू आर एबल टू इफेक्टिवली सॉल्व इट, राइट. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.